ए आकाशवाणी है। हुण तुसी उपमा डागा पाठ तो खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सरकारी विभागां अते संस्थावां च नवे भर्ती होए 71,000 लोकां नूं नियुक्ति पत्र सौंपणगे। प्रधानमंत्री अज तो नवी दिल्ली च शुरू हो रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस च भी शिरकत करनगे। भारत ने खंड दे 2021-22 दे सीजन दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने दी रिकॉर्ड पैदावार कीती है। पिछले साल घरेलू हवाई मुसाफरां दी गिनती च 2021 दे मुकाबले 47% वाधा होया है। अते भुवनेश्वर च हो रहे एफआईएच मर्दां दे हॉकी विश्व कप च भारत ने वेल्स नूं 4-2 नाल हराया है। इंग्लैंड स्पेन नूं 4-0 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल च पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं सरकारी विभागां अते संस्थावां विच नवे भर्ती होण वालियां नूं लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपणगे। ओ इस मौके ते नियुक्ति होण वालियां नूं संबोधन भी करणगे। पूरे देश तों चुणे जाण वाले नवे उम्मीदवार भारत सरकार तहत वख-वख अहुदियां ते काम करणगे, जिन्हां च होरनां दरमियान जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, इंस्पैक्टर, सब इंस्पैक्टर, सिपाही, स्टेनोग्राफ, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आमदन टैक्स इंस्पेक्टर, अध्यापक, नर्सा, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी शामिल ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला रोजगार पैदा करन नूं उच्च तरजीह दे अनुसार प्रधानमंत्री दी वचनबद्धता नूं पूरा करन लई इक कदम है। प्रधानमंत्री दे दफ्तर ने कहा कि कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल तो सिखण वाले नवे शामिल कीते जाण वाले अधिकारियां दे तजर्बे नूं भी रोजगार प्रोग्राम दौरान सांझा कीता जाएगा। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल वख-वख विभागां च सारियां नवीं नियुक्तियां लई इक ऑनलाइन ओरिएंटल कोर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सारे राज्यां दे पुलिस दे डायरेक्टर जनरल डीजीपी अते केंद्रीय हथियारबंद पुलिस दल दे कॉन्फ्रेंस शिरकत करेंगे। अधिकारिक हल्कियां ने पुष्टि की है कि ए सालाना कॉन्फ्रेंस नवी दिल्ली दे पूसा इंस्टीट्यूट विखे 20-22 जनवरी तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक अते महाराष्ट्र च तकरीबन 50,000 करोड़ रूपये दे विकास प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखे। कल शाम मुंबई च एक समागम च बोलदिआं उन्हां कहा कि सरकार भविखपक्खी सोच अते आधुनिक पहुंच नूं ध्यान च रखदिआं भारत दे असल अते समाजिक बुनियादी ढांचे ते ध्यान केंद्रित कर रही है। तकरीबन 50,000 करोड़ दे प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखण अते उद्घाटन करन तों बाद ओह मुंबई दे बांद्रा कुरला कॉम्पलैक्स दे MMRDA ग्राउंड विच इक रैली नूं संबोधन कर रहे सन। उन्हां मुंबई दे लोकां नूं भरोसा दवांदिआं कहा कि शहर दे विकास कार्जां च फंड दी कोई घाट नहीं होएगी। भारतीय चोण कमिशन ने त्रिपुरा दे जिरनिया सब डिवीजन च दो सियासी पार्टियां दे समर्थकां दरमियान होईयां झड़पां दे संबंध त्रिपुरा पुलिस दे डायरेक्टर जनरल अते मुख सकत्तर तों रिपोर्ट मंगी है। कमिशन ने अज दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट मंगी है। नागालैंड दे मुख चोण अधिकारी वी शशांक शेखर ने कहा है कि ओ नागालैंड च विधानसभा चोणां करवाउण दीआं तैयारियां नूं लै के पूरी तरह आसवंद ने अते तैयार ने। नागालैंड च 27 फरवरी नूं वोटां पैणगियां। कोहिमा च पत्रकारां नूं सूबाई चोणां बारे तैयारियां बारे जानकारी दिंदिआं श्री शेखर ने कहा कि राज अधिकारियां, जिला चोण अधिकारियां अते पुलिस नाल रल के उन्हां दी टीम चोणां दीआं तैयारियां कर रही है। उन्हां कहा कि नागालैंड च 13,17,634 वोटर हन। सुरक्षा इंतजामां नूं लै के उन्हां ने कहा कि चोणां दौरान पूरियां 305 CAPF दीआं कंपनियां तैनात कीतियां जाणगियां। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। भारत ने 2021-22 दी खंड दी रुत च 5,000 लख मीट्रिक टन तो वध गन्ने दा उत्पादन कीता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तकरीबन 3,000 लख मीट्रिक टन गन्ने दी लगभग 394 लख मीट्रिक टन खंड बनाई गई है।
खंड मिलों वालों इस विचो 36 लाख मीट्रिक टन खंड एथोनॉल दे उत्पादन वल भेजी गई है अते 359 लाख मीट्रिक टन खंड पैदा कीती गई है। 2021-22 दौरान खंड मिलों वालों एथोनॉल दी विक्री तो 20,000 करोड़ रुपए तो वध दी रकम कमाई गई सी। पिछले साल घरेलू हवाई मुसाफरां दी गिनती च जनवरी तो दिसंबर 2021 दे मुकाबले 47.05% दा वाधा होया है। एक रिपोर्ट सिविल हवाबाजी दे डायरेक्टर जनरल ने किया कि जनवरी तो दिसंबर 2022 दौरान घरेलू हवाई कंपनियां वालों चलाईयां उड़ाना च 1,232,45,000 मुसाफरां ने सफर कीता है, जबकि 2021 ऐसे ही समय च यह गिनती 838,41,000 सी। डीजीसीए ने किया कि पिछले महीने घरेलू हवाई कंपनियां कुल 408 मुसाफरां ने शिकायतां दर्ज करवाईयां ने, जिन्हां च ज्यादातर शिकायतां उड़ान संबंधी दिक्कतां अते रिफंड ते आधारित सन। भारत दे वाधे दी संभावना च मुड़ विश्वास जाहिर करदिआं फाइनैंशियल टाइम विखे मुख आर्थिक कमेंट्रेटर मार्टिन वुल्फ ने वीरवार दवास च विश्व आर्थिक फोरम च किया कि भारत अगले 10-20 सालां तक सब तो तेजी नाल विकसित हो रही वड्डियां आर्थिकतावां च शामिल होएगा। विश्व बैंक च सीनियर अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा अनुसार मजबूत आर्थिक गतिविधियां कारण पहला दिसंबर च विश्व बैंक ने भारत दे वाधा दर बारे अनुमान 6.5% तो वधा के 6.9% कर दिता सी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने किया कि भारत श्रीलंका दी आर्थिक सुरजीती नूं तेज करन लई पूंजीकारी दा वहा वधाउण लई वचनबद्ध है। डॉ जयशंकर ने एक ट्वीट किया कि उन्हां ने श्रीलंका दे विदेश मंत्री अली सैबरी नाल दोहां देशां दरमियान बुनियादी ढांचे, संपर्क, ऊर्जा, सनत अते सेहत च सहयोग बारे विचार वटांदरा कीता है। विदेश मंत्री टापू देश दे 2 दिनां दे दौरे ते ने। अज डॉ जयशंकर श्रीलंका दे राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे अते प्रधानमंत्री दिनेश गुनावर्दनेया नाल मुलाकात करनगे। डॉ जयशंकर दा दौरा अजिहे समय ते हो रहा जदों श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय माली फंड तो वाधू रकमां प्राप्त करन लई कोशिशां कर रहा है। अमरीकी सरकार ने कर्जा लैण दी हद पार कर लई है। अमरीका दे खजाना विभाग ने अमरीकी सरकार दे अपनी उधार लैण दी सीमा पूरी करन तो बाद अपनियां देनदारियां पूरी करन लई खास कारवाईयां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। सरकार दी उधार लैण दी सीमा 31.4 ट्रिलियन डॉलर दी है अते इसने वीरवार नूं ए सीमा पूरी कर ली है। खजाना मंत्री जैनेट जैलन ने कांग्रेस नेतावां नूं लिखे एक पत्र च कानून साजा नूं बाद विच किसी वड्डे डिफॉल्ट तों बचन लई छेती ही कर्जे दी सीमा वधाउण दी अपील कीती है। श्रीमती येलन ने खबरदार कीता है कि इस बारे काफी अनिश्चितता बनी हुई है कि अमरीकी सरकार दे कर्जे च डिफॉल्ट करन दे खतरे तो पहला खास कारवाईयां कदों तक जारी रह सकदियां ने। एफआईएच मर्दां दे हॉकी विश्व कप च कल भारत ने भुवनेश्वर दे कलिंगा स्टेडियम च वेल्स नूं 4-2 नाल हराया है। पहला इंग्लैंड ने स्पेन नूं 4-0 नाल हराया अते ओ क्वार्टर फाइनल च दाखिल हो गया है, जबकि नीदरलैंड ने चिली नूं 14-0 नाल हराया है। अज टूर्नामेंट 4 मैच खेडे जाणगे। आस्ट्रेलिया दा दक्षिणी अफ्रीका नाल अते फ्रांस दा अर्जेंटीना नाल, जबकि बेल्जियम दा जापान नाल अते कोरिया दा जर्मनी नाल मुकाबला होएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सरकारी विभागां अते संस्थावां च नवे भर्ती होए 70,000 लोकां नूं नियुक्ति पत्र सौंपणगे। प्रधानमंत्री अज तों नवी दिल्ली च शुरू हो रही डीजीपी कांफ्रेंस च भी शिरकत करनगे। भारत ने खंड दे 2021-22 दे सीजन दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने दी रिकॉर्ड पैदावार कीती है अते पिछले साल घरेलू हवाई मुसाफरां दी गिनती 2021 दे मुकाबले 47% दा वाधा होया है। आकाशवाणी तो खबरां दा बुलेटिन खत्म होया।